नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशाल और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से किराना अनाज मार्केट और रिटेल किराना दुकानों में अनाज के भाव पर क्या असर पड़ा है। सारे राज्य के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं जिससे अनाज की ट्रांसपोर्ट रुक गई है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ग्रेन्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन शुरू रहेगा। जो सूचना गवर्नमेंट ने जारी की है उसमें स्थानीय प्रशासन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सी गाइडलाइंस स्थानीय प्रशासन को क्लियर नहीं हुई है, उस वजह से अनाज जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, उस वजह से बाहर से आने वाले माल जैसे कि गेहूं, तुअर, दाल, चावल का होलसेल मंडियों में ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। गेहूँ के प्रोसेसिंग यूनिट्स, दाल मिल, खाद्य तेल के प्लांट बंद है। ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से रिटेल किराना दुकानों में माल पहुँचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी के होलसेल व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रखी है, इसका असर अनाज के भाव पर पड़ रहा है। अनाज और तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है। छोटी गाड़ी वाले जो अनाज का ट्रांसपोर्ट सिटी में करते हैं उनको डर है कि वो गाड़ी बाहर निकालेंगे तो चालान कटेगा। उसमें भी कुछ गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अनाज की ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करने वालों को प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि अनाज रिटेल दुकानों तक जल्द से जल्द पहुंचेगा तो माल का शॉर्टेज नहीं होगा और आम जनता को अनाज कम से कम रेट में मिलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारी मुश्किलें हो रही है उस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और जल्द ही ये सब रूलिंग में आ जाएगा। हम सबको मिलकर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना है और गवर्नमेंट को सहयोग करना है और सभी ने घर पर ही रहना है, घर के बाहर निकलना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।